सन 2013 में गंगा प्रसाद गौलवंशी जी ने अब्दुल हमीद नगर की नींव रखी। इस बात को 7 साल हो चुके हैं। शायद इस बात का एहसास उन्हें उस समय नहीं हुआ होगा, किंतु आज अब्दुल हमीद नगर चमन बन चुका है। 6 एकड़ में फैला यह पूर्ण विकसित लेआउट किसी रिहायशी इलाके से कम नहीं है। निर्मल हंस डेवलपर एंड बिल्डर के द्वारा इस लेआउट की स्थापना की गई है, जिसमें लगभग 100 के आसपास प्लाट उपलब्ध है। पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे लेआउट के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हुए और उन्होंने अब्दुल हमीद नगर की स्थापना को लेकर खुशी जाहिर की। आगे उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। गंगा प्रसाद जी गौलवंशी साहब, रिटायर्ड ACP यादव साहब, मौलाना साहब, हकीम भाई, नगर सेवक नीतीश जी गौलवंशी साहब, नासरे साहब, उपस्थित सभी मेरे साथी, जो सिलसिला शुरू हुआ और उनकी दिली इच्छा क्या थी, मुझे लगता है कि गंगा भैया ने एक अच्छी नींव रखी और एक ही समुदाय के लोग यहाँ हमीद नगर में रहने वाले हैं। और मैं तो मौलाना साहब नागपुर में घूमता हूँ, तो मैं सब कुछ जहाँ जाऊँगा, जिसमें जाऊँगा, तो मुस्लिम में जाऊँगा तो मैं मुस्लिम में ऐसे ही लगता है मुझे। तो मुझे लगता है कि ये भेदभाव इस नागपुर में तो भी नहीं है, बाहर कुछ भी हो, मगर अपने शहर में इतने अच्छे से रहते हैं और इतने भाईचारे से हम लोग रहते हैं, तो हमारी नागपुर की सीख दूसरों ने लेना चाहिए, ऐसी मुझे लगता है। गंगा भैया ने जिस तरीके से उनके पास जो लोग आए, फिर ज़मीन का जो सिलसिला हुआ या लेआउट डाला, और अभी यहाँ पर सभी लोगों के मकान बनने जा रहे हैं और आप सबके आशीर्वाद से मैं यहाँ का विधायक बना हूँ। वैसे मेरी शुरुआत भी मकान बचाने से हुई थी। सबसे पहले बार 2002 में मैं मेयर बना सिटी का, तो दूसरे ही महीने में जहाँ से चुन के आया था 12,000 घरों को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट लग गए थे। तो मैंने उस वक्त मेरा महापौर पर दाव पर लगाकर, विलास राव देशमुख थे, दिल्ली जाकर वो गरीबों की बस्ती बचाई, गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में भेजा और वो लोगों को मालिक बनवाया। तो मेरा पहले से ही संबंध गरीब जनता से, ज़मीन और मकान बचाने से आया। यहाँ आने के बाद भी मौलाना जी को याद है। इसी सिलसिले में मुझे तो गरीबों के लिए जो करने का है, मकान बचाने का या एरिया को डेवलप करने का, उस काम में दौड़ने में काफ़ी मज़ा आती है, क्योंकि आखिर जनता ने चुन के दिया आदमी, जनता के काम ना आए तो फिर क्या बात है। तो मुझे लगता है कि आपने मुझे चुन कर दिया है और मेरा कर्तव्य है कि जो पश्चिम नागपुर क्षेत्र की डेवलपमेंट से बची हुई एरिया, अभी मैं यहाँ से आया तो नीतीश भैया को बोला तो ये तो सब बनाना पड़ेगा, रोड वोड अपने को सब बोला पहले। तो मुझे लगता है कि जो इस साइड के गोरेवाड़ा, दाभा, पश्चिम नागपुर के दो हिस्से आते हैं, उधर सिविल लाइन आता काटो रोड के उधर और इधर ये एरिया, तो इस एरिया में काम करने की ज़रूरत है और मैंने शुरुआत इन्हीं एरिया से किया हूँ। आप बिंदास रहिए, जो जो आपके नए लेआउट है, जो यहाँ डेवलपमेंट की चीज़ें है, लाइट होगा, पानी होगा, एक क्रमवारी से अपन ये करने के लिए तैयार है और आने वाले दिनों में इन क्षेत्र को इतना अच्छा बनाएंगे और एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। गंगा प्रसाद गौलवंशी ने इस लेआउट में से 5,000 स्क्वायर फीट जमीन मुस्लिम कम्युनिटी को मस्जिद के लिए प्रदान की, जिसमें मस्जिद बनाने का काम प्रारंभ है। इस अवसर पर विधायक विकास ठाकरे ने भी मस्जिद में भेंट दी। खास बात यह रही कि इस लेआउट में उद्घाटन के अवसर पर ही 70% बुकिंग हो चुकी है। इस अवसर पर रिटायर्ड DYSP राम लखन यादव,
नगर सेवक नीतीश गोलवंशी, गिरीश गोलवंशी एवं मौलाना का विशेष योगदान रहा।